तो मतलब टोटल मोटा मोटी होता है 80,000 रुपया जो कि आज मैंने एक दिन में दुबई में खर्चा किया है। लौंडे आ गए उनके बेड में ये सब खिलाने पिलाने फुकट में, तो हम लोग को तीन गरीबों को देख लिया तो हमको भी पकड़ा दिया बस। जब ऊपर था ना माय गॉड, ये इतना खुशी हुआ ना कि मतलब यार लाइफ में ये सब चीजें करने मिल रहा है। जैसे हम मंजिल से नजदीक पहुंच रहे ना, ऐसा धक धक हो रहा है ना मेरे को, मैं क्या ही बताऊं यार। अब धक धक हो भी क्यों ना, जो चीज करने की इतने सालों से इच्छा थी और फाइनली वो क्षण आता है, वो पल आता है करने का, तो एक्साइटमेंट की लेवल ना अलग ही होती है, मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता। बस वही बात है, कहने का मतलब है गाइस वो वक्त आ चुका है जब हम करने वाले हैं वन ऑफ द क्रेजिएस्ट थिंग, स्काई डाइविंग। इतना तो डर मुझे स्कूबा डाइविंग वगैरह में भी नहीं लगा था, इनफैक्ट जबकि मेरे को स्विमिंग भी नहीं आती है, आज मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि ये अच्छे से हो जाएगा और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया है, मैंने क्या क्या कुछ नहीं देखा है, कुछ चीज़ें ही बाकी है जिसमें से ये स्काई डाइविंग है और वो फाइनली वक्त आ गया है। मैं मेट्रो पकड़ के सुबह रियलिटी उतरा, वहाँ से ट्रैम कनेक्टेड मैं यहाँ पे उतरा जुमेरा बीच वन, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है स्काई डाइविंग एरिया जहाँ पे ठीक आधे घंटे बाद मेरा स्लॉट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा दोपहर का 12 बजे का, तब होगी मेरी स्काई डाइविंग। अभी बस टैक्सी का इंतजार करते हैं और टैक्सी के ड्राइव से हम पहुंच जाते हैं स्काई डाइव वाले इलाके में। बाय बाय, थैंक यू। या श्योर, थैंक यू। दिखने में तो काफ़ी आसान सा प्रोसेस लग रहा है, आई मीन इतना कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही है। एनीवेज मेरा चेक इन वगैरह सब हो चुका है, 12 बजे का मेरा अराइवल टाइम था और ये कह रहे हैं कि आपको अभी ऊपर वेट करना पड़ेगा, जैसे ही वाइब्रेट होगा, जैसे ही बजेगा तब नीचे आ जाना। इसका मतलब ये है कि तब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और ट्रेनिंग के बाद आपको लेके जाएंगे ऊपर और ऊपर से कूद जाना उसके बाद। मैंने पूछा भाई साहब कितना टाइम में बजेगा, तो उन्होंने बोला कि 1 घंटा मिनिमम लगेगा इसको बजने में, तब आना नीचे और उसके बाद 1-1.5 घंटा और पकड़ के चलो। मतलब अगर अभी बजे है 12 तो मान के चलो आप यहाँ से जाओगे 2:45 या 3 बजे। मैंने बोला 3 का 4 बजे का वो चलेगा, लेकिन जा तो पाओगा ना। क्या बात है, कितने लोग लैंडिंग कर रहे हैं भाई साहब, सोचो क्या अमाउंट ऑफ कलेक्शन डेली बेसिस पे लोग करते रहेंगे। यार बचपन ही याद आ गया, बचपन में टेरेस पे जाके पतंगे पकड़ता था भाग भाग के। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी पकड़ लूँ पतंग ही लग रही है लिटरली। ए बज गया, बजर बज गया। चलो बाय 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 बाय, मिलते इफ पॉसिबल। हाय। तो भाई साहब बैग और ये सारी चीज़ें, मोबाइल कैमरा सब लॉकर में रखने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ले ऊपर कुछ लेके नहीं जा सकते फ्लाइट में। हाँ हेलो रितिका, मेरा वो बैंक में लॉकर कोड है। तो चलो गाइस अभी मिलते हैं, ये एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद जब आऊँगा फिर लॉकर खोलूँगा, फिर मैं कैमरा चालू करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है। इट्स कोल्ड, या इट वाज अमेजिंग, बट भाई साहब अभी जस्ट हुआ, सच कह रहा हूँ, ऊपर जब हम कूदे टोटल 8-1 मिनट का होता है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, और उसके बाद वो लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको लेग्स ऐसे रखना है, हेड ऊपर रखना है, ये पार्ट आगे रखना है और 10-15 सेकंड ऐसे ही रहना है, उसके बाद हाथ छोड़ना है कैमरा में देख के, क्योंकि अपने साथ इंस्ट्रक्टर तो रहता ही, वो ड्राइवर तो रहता ही है जिससे आप बंधे हुए रहते हो, लेकिन अपने आगे एक पर पर्सन के पीछे एक कैमरामैन भी कूदता है जिसके 2 इधर गोप्रो वगैरह लगे रहते हैं, तो यू नो लाइक उसके बाद हाथ छोड़ के कैमरा में देखने का, अपने इमोशन जाहिर करने का, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। और फिर जब वो कैमरामैन चला जाता है फिर वो पैराशूट खोलते हैं, 30-40 सेकंड फ्री फॉल होता है, लिटरली आप ऐसे गिर रहे हो और उसके बाद वो जब पैराशूट खोलते हैं तब आप वो एहसास करते हो, फिर वो चश्मा भी निकाल देते हैं आपका
और फिर वो एहसास करते हो नजारे का, और उस वक्त जो मेरे आंखों से थोड़ा सा हल्का सा गंगा जमुना चालू हो गया था ना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या खुशी हो रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और फिर जो हुआ अच्छे से हुआ, और मतलब बस अभी मैं वो जो भी इन लोग का रहता है ना शूट किया हुआ, वो लोग एडिटेड देते, मैंने इनको पूछा कि एडिटेड मत दो, जो भी रॉ फुटेजेज है वो दो, मेरे को वही डालना है, मैं खुद एडिट कर लूंगा। इन्होंने बोला नहीं, जो प्रोटोकॉल होता है, जो हम रूल्स होता है, बड़ी कंपनी है स्काई डाइव, छोटी नहीं है, तो उसी हिसाब से सबको देते हैं, चाहे फिर वो सेलिब्रिटी क्यों ना हो या फिर पॉलिटिशियन क्यों ना हो, मतलब कोई बात नहीं, जैसा देना है दो। तो अभी इन्होंने जो शूट करके एडिट किया है वो अभी मैं एड ऑन कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले बेसिकली कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसी होती है स्काई डाइविंग, तो आप वो क्लिप अभी देख सकते हो। You have anything to say before we go? Yeah, this is my first time experience, and you know, I wanted to do in Skydive Dubai only because it has amazing views, and thanks to my viewers, because of them only, I used to do so many things all around the world. So I really appreciate. Awesome. Thank you so much. You're a TikToker? I'm a YouTuber. YouTuber? Yeah. Nice, man. I'm gonna follow your channel. Definitely. Did you understand all the instructions? Yeah. Great. Big smile. See you all there. Yeah, sure. Definitely. I was just feeling like crying with happiness, you know, what a emotion, what a feeling it was jab upar tha na, my god, ye itna khushi hua na ki matlab yaar life mein ye sab cheeze karne mil rahe hai, thank you yaar jo bhi mere ko support karte hai, thank you so much sabhi ko, love you all yaar, yes guys, bye, woohoo, yeah man, ye rahe Ahmed bhai jo mere sath diver the, aur inhone kya behtareen tarike se kiya sab, explain bhi bahut acche se kiya, you had explained so nicely, एंड देन यू नो जब पैराशूट खोला था तो इन्होंने जो गोल गोल घुमाया ऊपर वगैरह और जो नजारे दिखाए, मजा आ गया यार, थैंक यू, थैंक यू सो मच, या थैंक यू। अब ना यार दोपहर के 2:30 बजे है और मेरे पास बहुत टाइम है, क्योंकि मेरे को ठीक यहीं पे वापस आना है, इसका कारण ये है कि इसी के बगल में है डिनर इन द स्काई या फिर फूड इन द स्काई ऐसा कुछ है, जो कि दुबई में होता है, मतलब डिनर वगैरह करते हैं लोग ऊपर जाके, वो क्रेन ऊपर लेके जाती है बहुत लोगों को और फिर वो लोग खाना खाते हैं, तो वो भी मेरा आज का बुकिंग है, मतलब आज के दिन में बहुत पैसा खर्चा किया, क्योंकि अगर स्काई डाइविंग की रेट की बात करो तो दुबई में बहुत फेमस है और वन ऑफ द एक्सपेंसिव स्काई डाइविंग, और दुनिया में ये पहले फर्स्ट नंबर पर आता था, अभी सेकेंड नंबर पर आता है मोस्ट ब्यूटीफुल स्काई डाइविंग, जिस हिसाब से मेरे पीछे मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू आप देख सकते हो फिलहाल का, तो वैसा ही दुबई का जो ये है ना पाम वाला, वो सेकंड नंबर पे, पहले न्यूजीलैंड में है। दुबई में वैसे दो स्काई डाइविंग है, एक ये पाम वाला और एक डेजर्ट वाला, डेजर्ट वाला समवेयर अराउंड 45,000 रुपीज और ये कुछ 10,000 ऊपर है, मैं बोला कि यार अभी 10,000 की बात है तो क्यों ना जो बेस्ट है व्यू के साथ, अमेजिंग वाला व्यू के साथ वही करूँ। अच्छा अभी आप बोलोगे मतलब मैंने 55,000 खर्चा किया है, तो अभी मैं आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ कि भाई मैंने कुछ खर्चा नहीं किया है, ये मेरे को फुकट में मिला है। जी हाँ, अब वो फुकट में कैसे मिला है तो वो मैं डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बात को कंटिन्यू कर लेता हूँ जो मैंने छोड़ दी थी बीच में, कि अभी बजे है 2:30 और मेरे को डिनर जो है वो 6:30 बजे होगा, वो इसी इलाके में होगा, डिनर इन द स्काई जो क्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए मेरे को वापस इधर ही आना है, तो 4 घंटे के लिए अभी मैं क्या ही आव जाव करूँ ना, तो अपन 4 घंटा इधर ही टाइम पास करेंगे और उसके बाद डिनर करेंगे। तो ये वीडियो में आपको इतनी सारी चीज़ें देखने मिल रही है, मतलब स्काई डाइव देखने मिलेगा, वो क्रेन से ऐसा ऊपर लेके जाएंगे,
उधर डिनर होगा, वो भी एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा। मतलब सही है यार, अभी सही तो होगा ही ना बॉस, इतनी चीजें जो करने मिलती है मुझे और इतनी चीजें जो देखने मिलती है आपको भी, है ना। और मैं विश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ऐसा मौका जरूर मिले ये सब करने का। अभी आप पूछोगे कि ये सब फ्री में कैसे होता है, तो पिछले साल मैंने कोर्स लॉन्च किया था अगस्त के महीने में और कुछ लोगों ने उसको एनरोल भी किया था, 900 रुपीज़ के आसपास उसका रेट था, जिसमें मैं लाइव आके दो सेशंस किए थे, एक सैटरडे को एक संडे को अगस्त के महीने में। और वहाँ पे मैंने एक एक घंटे के सेशंस में सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे और आपको भी कैसे मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें। जी हाँ, फिर चाहे वो डिज्नीलैंड हो, आपको भी कैसे मिल सकता है, क्या है उसकी क्राइटेरिया है, आपको कैसा मेहनत करना है ताकि कि आपको भी वो फ्री मिल सके, तो ये सारी जानकारी मैंने दी। मेरी यूट्यूब की अर्निंग्स कितनी है मंथली वो मैंने उसमें बताई, मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट करा था बींग अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मारवाड़ी बॉय, अभी भी आई मीन आप कह सकते हो मारवाड़ी जैन बॉय, इट्स वेरी टफ टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो भी मेरे स्ट्रगल्स थे, जो भी मैंने कैसे स्टार्ट किया था और मतलब एक्सपीरियंसेस, सारी चीजें उस दो घंटे के सेशंस में आपको मिलेगी, दो सेशंस में। साथ ही साथ अगर आपको यूट्यूब चालू करना है, अगर आपको एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उसके लिए कैसे कैसे आप स्टेप्स उठा सकते हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, आई मीन वो सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो अभी मैं वो कोर्स फिर से लेके आया हूँ, जिसमें वो दो रिकॉर्डिंग्स आपको देखने तो मिलेगी, साथ ही साथ मैं लाइव आऊंगा जब भी मौका मिलेगा, जैसे आप एनरोल करते हो। अभी मजे की बात पता हूँ क्या है, इसका रेट मैंने कर दिया है 499। जी हाँ, मतलब 500 रुपए से भी कम, प्लस GST जो भी रहता है। इसका कारण ये कि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अपनी एक कम्युनिटी बनाए, मतलब हमारी एक कम्युनिटी हो जिसमें मैं यू नो लाइव आऊँ, जितना हो सके आने की कोशिश करूंगा, संडे को ही लाइव करूंगा। उसके बाद मैं मेरे ट्रैवल प्लान्स आगे के आपको बताऊंगा। जी हाँ, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी नेक्स्ट ट्रिप वगैरह कौन सी है, कभी अपन एक कम्युनिटी बना के शायद ग्रुप टूर भी ऑर्गेनाइज कर सकते है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कभी भी कुछ डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो लाइव सेशंस में, तो आपको भी वो 499 में काफी चीजें मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे 500 ले लिया बस मैं खुश हूँ, नहीं बॉस, अगर मैं आपसे इतना बड़ा अमाउंट ले रहा हूँ, क्योंकि 500 रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत टफ लगता है कमाने को, तो अगर इतना बड़ा अमाउंट ले रहा हूँ ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको बेस्ट चीजें दूँ और आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि कि आपका इससे फायदा हो। हाँ, लेकिन जैसे वो लोग हवा में उड़ रहे ना और जैसे अपन हवा में उड़े थे, तो इतना भी हवा में बात नहीं करूंगा कि 5 लाख का फायदा होगा। ये मैं ऐसे मॉनिटरी वैल्यू में नहीं बता रहा हूँ, मतलब आपको कंट्री के बारे में भी और बताऊंगा कि आइटनरी कौन सी कंट्री की क्या होनी चाहिए, स्कैम्स क्या होते हैं, क्या बजट होना चाहिए। जो मेरा वेबसाइट है, जो मेरा कोर्स है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा एट जस्ट वन टाइम पेमेंट। आपको सिर्फ एक ही बार पेमेंट करना है, ऐसा नहीं कि मंथली है या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार भर दिया बात खत्म। सो ये स्काई डाइव के ठीक पीछे है जीरो ग्रेविटी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बीच क्लब माना जाता है मरीना इलाके में। इस इलाके में ना दो ही मेन बीच क्लब है, एक तो बरस्ती बीच क्लब जहाँ हम हमेशा से जाते थे रात में, है ना, लेकिन ये दिन का माहौल है और मैं चाचा बगल में ही है, तो यहाँ पे मैं आया भी नहीं हूँ कभी भी, तो क्यों ना आज जीरो ग्रेविटी में ही टाइम पास करूँ और उसके बाद बगल में ही अपने को हवा में उड़कर डिनर करना है। मतलब यार आज का दिन ही कितना अमेजिंग है कि हवा में उड़े जा रहे हैं भाई साहब। सो भाई साहब, यहाँ का सीन ऐसा है कि 200 दिरहम्स एंट्री फी है, जिसमें से 100 फी तो एंट्री फी होती है और बाकी का 100 फी का ये वाउचर देंगे जिससे आप खाना पीना मंगा सकते हो। लगा दो जी, बिल्ले पे बिल्ला लगा दो, क्या बात है, एक बैंड पे दूसरा बैंड, और ये रहा मेरा 100 दिरहम का वाउचर, ठीक है जी। दोपहर का वक्त है, इतना वाइब मिलेगा नहीं जिस हिसाब से रात में होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं ना, अपने को तो टाइम स्पेंड भी करना है और वो भी अच्छी जगह पे करना है, तो ये मेरे को अच्छी जगह लगी थी। मतलब अंदर आया, देखा, ऐसा नहीं कि ये लोग अंदर अलाउ नहीं करते, आप अंदर जा सकते हो, देख सकते हो, उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको पे करना है कि नहीं करना है। तो अंदर आया था, मेरे को अच्छी जगह लगी, इसलिए मैंने सोचा ठीक है यार 3-4 घंटा यहीं पे टाइम बिताता हूँ। टॉवल दे रखा है हर जगह, तो ये बढ़िया है, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जो मर्जी जब मर्जी पूल में डुबकी मार सकते हो। मैंने इनको बोला कि भाई कितने बजे तक रुक सकते हैं, इन्होंने बोला कि जब तक हमारा बंद नहीं होता ना देर रात या फिर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग तक, तब तक आप रुक सकते हो, 200 दिरहम आपने दिए, टेंशन नॉट वरी नॉट। ये मेरे को बात अच्छी लगी। प्लीज या अरे नॉन ब्रांडेड दे रहे, non what brand is this? Hey, it's a gift, I got gift from someone, I got gift from someone. Nice guy.
नाइस थैंक यू 200 का माल है रे। वैसे यार लेडीजों को मजे हैं, ट्यूसडे में देखो फ्री पूल एंड बीच एक्सेस एंड वन फ्री बेवरेज फॉर लेडीज। सही है यार। सलाम बॉयज लोग को कभी कुछ फ्री नहीं मिलता है, उल्टा डबल मेहनत करना पड़ता है, डबल पैसा देना पड़ता है हर जगह। मजाक था कोई फीमेल गुस्सा मत करना, सच ही तो बोल रहा हूँ। इज इट वेजिटेरियन? नो एग। ओके थैंक यू। क्या बात है यार, हमको भी फ्री में मिलता है कुछ ना कुछ। एक्चुअली लेडीज डे चल रहा है ना, ये देख लो लॉन्डे आ गए उनके बेड में, ये सब खिलाने पिलाने फुकट में। तो हम लोग को तीन गरीबों को देख लिया तो हमको भी पकड़ा दिया बस, बाकी कुछ नहीं। भाई दुबई में ऐसी लग्जरी जगह में ऐसा फ्री वाला चीज मिलता है कुछ तो खुशी तो बनता है ना। थैंक यू सो मच। इनका प्रेजेंटेशन जोरदार है, इनफैक्ट एक केचप की पैकिंग देख लो जोरदार है यार, इसको घर पे लेके जा सकते हैं क्या? मस्त है। ये इनका पूल मेरे को मस्त लगा, अभी दिखा कि ट्रांसपेरेंट है और बीच से सटा हुआ ही है। तो देख लो बीच की वाइब्स तो नेक्स्ट लेवल की, आई मीन व्यूज बहुत ही प्यारे, अच्छी वाइब्स है। ऐसे बीच पे आ नहीं सकते जब तक आप एंट्री फी ना भरो। रात का माहौल मैं समझ पाता हूँ बहुत ढांसू रहेगा, बरस्ती बीच क्लब या फिर ये जो मर्जी जिधर भी जाओ आपको मजा जरूर आता है दुबई में, ये तो बात माननी पड़ेगी। भले एंट्री फीस थोड़ी ज्यादा रहती है, 200 दिरहम, 250 दिरहम, 300 दिरहम, डिपेंडिंग अपॉन द वीक और वीकेंड। आज तो वीकेंड भी नहीं है, ट्यूजडे है, फिर भी देख लो एंट्री फी है, वो भी दिन में। रात में तो अभी मैं क्या ही बोलूं, है ना। ऑल राइट गाइस, तो हमने 4-4.25 घंटे अच्छे से बिता दिए ग्रेविटी जीरो ग्रेविटी क्लब में। अगर इसके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इसकी वाइब बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि शाम या फिर रात में और अच्छी वाइब होगी। लेकिन अगर खाने पीने की बात करें, खाने की बात करें तो टेस्ट बरस्ती से अगर कंपेयर करें तो इसका कम अच्छा है, बरस्ती का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। अभी हम ठीक सामने इसके जीरो ग्रेविटी के सामने ही है, वो जो क्रेने नहीं दिख रही थी बस वही तो है डिनर इन द स्काई, जो अपन बैठेंगे और फिर क्रेन वो ऊपर लेके जाएगी। बहुत सारे ऑप्शन थे खाने पीने के, तो जब मैंने बुकिंग किया था ना तब मैंने वीगन ऑप्शन चूज कर लिया था, वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वीगन पास्ता वगैरह वो सब ऑप्शन था मैंने चूज कर लिया था। मेरा 6:30 का स्लॉट था, मेरे को लगा कि सनसेट के टाइम आसपास का ये बेस्ट रहेगा और डिनर वो टाइम के हिसाब से अच्छा रहेगा। लेकिन सनसेट हो चुका है और अब बजे है 6:15, यानी कि 15 मिनट में हम भी ऊपर जाना शुरू कर देंगे। ग्लूटेन फ्री बट इट्स वेजिटेरियन, no problem. For your meals you're having burrata salad, pasta and a gluten-free chocolate. Gluten-free chocolate. Thank you so much. Bye bye. What is this? Italian cheese burrata. Oh, okay. आजू कोई बैठा नहीं इसलिए अच्छा लग रहा है, खाली होता है तो शूट वगैरह अच्छा कर सकते हो, खा भी अच्छा सकते हो। बगल वाले में बैग रख दिया और ये जो भाई साहब है ये यही के बैलेंस बनाने के लिए बैठे हैं, बाकी जो भी है दूर दराज में सब जो भी लोग है ना। ओ कितना स्पीड में गोल घुमा रहा है ये भाई साहब, क्या बात है। और वो देख लो भाई क्या बात है, पहने पास्ता विद दिस सीड्स, व्हाट आर दिस सीड्स? पाइन नट्स। ओके वाह कुछ नया है जी।
तो भाई पोलाश फ्रॉम बांग्लादेश एंड अली फ्रॉम अल्जीरिया, दोनों का शुक्रिया, दोनों एक से एक फोटो वीडियो ले रहे हैं भाई, चाहे फिर मेरा हो या फिर शेफ जो बना रहे परफॉर्म कर रहे हैं उनका हो। ये ग्लूटेन फ्री वेजिटेरियन वीगन और डेजर्ट आप कह सकते हो, डेजर्ट खाके मतलब ये थ्री कोर्स का जो भी था डिनर ये कम्प्लीट होता है। ये लैंडिंग हो गई जी हमारी। ओ तेरी क्या पायलट है भाई ये तो। ओ दिस फॉर मेमोरी। कहाँ से? उत्तराखंड से है भाई। उत्तराखंड देहरादून। देहरादून हाँ बहुत बार आ चुके हम देहरादून, देहरादून से मसूरी। अरे सेम या सेम या। नाम क्या है आपका? मैं नाम आकाश। आकाश भाई चलो, कितना साल हुआ आपको इधर? 3 साल। 3 साल भाई 17,000 रुपया यार। कुछ ज्यादा नहीं है? लोनावला में 4,000 रुपया जब हम गए थे पिछले साल, आपका पता नहीं लोनावला में। ऋषिकेश में भी ओपन हुआ है। ऋषिकेश में भी ओपन हुआ है, उधर भी उतना ही होगा, 4,000 के आसपास। इधर 4 गुना है भाई, दुबई है, हबीबी है। चलो शुक्रिया, बाय बाय। थैंक यू। बढ़िया सा एक्सपीरियंस था भाई, मतलब बढ़िया नहीं बोल सकता क्योंकि रेट के हिसाब से, बाकी खाना टेस्टी था। और जो शेफ है ना वो वन ऑफ द टॉप शेफ है दुबई के, ये बता रहे थे, बिकॉज वो बुर्ज अल अरब जो 7-स्टार होटल है ना वहाँ पे भी वही शेफ काम करते थे, जिसके कारण इनका मानना है कि हमारा जो शेफ है वन ऑफ द बेस्ट शेफ है दुबई में। चलो जो भी है, अपन को एक्सपीरियंस करना था, अपन ने कर लिया, वही तो बात है। दुबई में जब जब आएंगे तब तब जो जो पेंडिंग एक्सपीरियंसेस है वो सारे कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 5 साल का वीजा है, उसमें से 2 साल ही हुआ है, 3 साल और बाकी है। ओ बाय द वे जी हाँ, आपने सही सुना कि इसका रेट 16,500-17,000 रुपया है। कॉस्टिंग के मामले में बहुत एक्सपेंसिव है भाई साहब, मतलब क्या ही बोलूं। अगर आपको ये सब एक्सपीरियंस करना है तो ऋषिकेश, लोनावला, इंडिया में ही करना, 4,000 रुपये में देके आप ऐसा बिल्कुल एक्सपीरियंस कर सकते हो। एनीवेज आज का दिन अगर टेक्निकली बात करें ना तो 80,000 रुपये खर्चे किए मैंने। जी हाँ, क्योंकि 56,000 का स्काई डाइविंग किया, ठीक है, उसके बाद ग्रेविटी में 5,000 रुपया खर्चा किया। किधर गया भाई बैंड? हाँ ये दोनों बैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 17,000 जो कि होता है तकरीबन 78,000 रुपीज, और 2,000 रुपया आने जाने का गिन लो तो मतलब टोटल मोटा मोटी होता है 80,000 रुपया जो कि आज मैंने एक दिन में दुबई में खर्चा किया है। तो चलो गाइज अभी वापस जाने का वक्त हो चुका है और नीचे उतर ही गया, तो कान से कॉटन निकाल देता हूँ क्योंकि ऊपर जो ठंडी हवा बह रही थी ना वो तो अच्छा हुआ मैं बैग में कॉटन लेकर रखा था, क्योंकि कान को सेव करना भी जरूरी था। समुद्री हवा, तेज हवा जो जा रही थी कानों में, आज का जो मेरा दिन था ना मेरे को हमेशा याद रहेगा क्योंकि आज मैं हवा में ही उड़ा हूँ बहुत, है ना। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको भी मेरा वीडियो, मेरा आज का दिन, मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे लगे रहेंगे। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और वापस एक रिमाइंड कर देता हूँ कि 499 प्लस GST 550 या 570 रुपया, मेरे को नहीं पता कितना होता है, GST तो मेरे हाथ में नहीं है। जो भी होता है एक बार देख लेना, अगर बजट है आपका, अगर आपको लगता है कि हाँ वो पैसे से कुछ मेरा फ़ायदा होगा, मतलब आप लोगों का, मेरा नहीं, मेरा तो होगा ही फ़ायदा क्योंकि मेरे को पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आपका फ़ायदा होगा तो ही डालना। कहने का मतलब है दिमाग में यही मत रखना कि हाँ प्रतीक भाई से लाइव सेशन में वार्तालाप हो सकती है, वो दिमाग में मत रखना। उसके अलावा भी सोचना कि हाँ आपको बहुत सारी कंट्रीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बजट के बारे में आप पूछ सकते हो, स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स या फिर स्पॉन्सर्ड ऐसे एक्सपीरियंसेस कैसे मुझे मिलते हैं और आपको भी कैसे इजीली तरीके से मिल सकते हैं वो जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल आप वो कोर्स एनरोल करना, ठीक है। अभी ज्यादा बात नहीं करता हूँ, ये वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।